सबसे पहले लेंगे हम नमक, हसबे जायका, लाल मिर्च 1 से 1.5 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, अब 1 बड़ा टमाटर और 3 दरमियाने साइज के प्याज को हम एक ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड करेंगे। इसमें मैंने तकरीबन 1 ग्लास के बराबर पानी भी शामिल किया है ताकि अच्छा सा पेस्ट बन सके। अब एक पतीली में ऑयल गरम करेंगे जो मैंने तकरीबन 3/4 कप लिया है। मटन ऐड करेंगे जो मैंने लिया है 1/2 kg। अब इसको अच्छे से कलर चेंज होने तक हम पकाएंगे। लाल मिर्च और धनिया पाउडर शामिल करेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड किया है और इसको अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम अपना प्याज और टमाटर का जो पेस्ट बनाया है वो शामिल करके अच्छे से पकाएंगे। पानी खुश्क होने तक इसको अच्छे से पकाना है। इसको ढक के दरमियानी आंच पे पकाएंगे ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और गोश्त भी अच्छे से गल जाए। गोश्त गल चुका है, अब इसमें हरी मिर्च, काली मिर्च साबुत, लौंग और गरम मसाला मिला ऐड करके अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया है, इसको थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि अच्छे से भुन जाए। अगर नीचे लग रहा हो तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको आप फिर से भून सकते हैं। अब इसमें आलू शामिल कर देंगे जो कि 2 दरमियानी साइज के आलू थे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे ताकि आलू गल जाए और इसको ढक के दरमियानी आँच पे तब तक पकाना है जब तक आलू गल नहीं जाते। मज़ेदार आलू गोश्त तैयार है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय से आगाह करें। थैंक यू।